हर जरूरत, सरकार का हर काम टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे और आसान होगा, आपको इस काम के लिए नए नए तरीके ढूंढने हैं, इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं और उसे आगे भी बढ़ाना होगा। साथियों, पिछले 9 वर्षों में हमारी पॉलिसीज ने बड़े से बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रास्ता तैयार किया है। हमारी नीतियां नए माइंडसेट, कांस्टेंट मॉनिटरिंग, मिशन मोड इम्प्लीमेंटेशन और मास पार्टिसिपेशन पर आधारित है। 9 वर्षों में सरकार ने मिशन मोड पर नीतियों को लागू किया है, चाहे स्वच्छ भारत हो या जल जीवन मिशन। इन सभी योजनाओं में 100% सैचुरेशन के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। सरकार के हर स्तर पर स्कीम्स की मॉनिटरिंग हो रही है। खुद मैं भी प्रगति प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस पर नजर रखता हूं। इन प्रयासों के बीच केंद्र सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सभी नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर है। जब आप जैसे लाखों युवा सरकारी सेवाओं से जुड़ते हैं तो नीतियों को लागू करने की स्पीड और स्केल भी बढ़ जाता है। इससे सरकार के बाहर भी रोजगार के अवसर तैयार होते हैं, साथ साथ कामकाज की नई व्यवस्था भी बनती है। साथियों, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में मुश्किलों के बीच आज भारत की जीडीपी तेजी से बढ़ रही है। हमारे प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों में बड़ी वृद्धि हुई है। देश आज अपने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना निवेश कर रहा है वो पहले कभी नहीं किया गया। आज देश में नए नए सेक्टर्स का विस्तार हो रहा है। आज रिन्यूएबल एनर्जी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिफेंस और पर्यटन समेत कई सेक्टरों में अभूतपूर्व तेजी दिख रही है। मोबाइल फोन से एयरक्राफ्ट कैरियर तक, कोरोना वैक्सीन से फाइटर जेट्स तक, भारत के आत्मनिर्भर अभियान की ताकत सबके सामने है। ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक अकेले भारत की स्पेस इकोनॉमी ही 60,000 करोड़ से बड़ी हो जाएगी। यानी आज देश के युवाओं के लिए लगातार नए नए अवसर बन रहे हैं, रोजगार की नई संभावनाएं बन रही है। साथियों, आजादी के अमृतकाल में अगले 25 साल जितने अहम है उतना ही आपका अगले 25 साल का कैरियर अहम है। आपको टीम वर्क को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। आपने देखा है इसी महीने इस देश में G20 बैठकों का सफल आयोजन पूरा हुआ है। दिल्ली समेत देश के 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकें आयोजित की गई। इस दौरान विदेशी मेहमानों ने हमारे देश की विविधता के रंग देखे। G20 हमारी परंपरा, संकल्प और आतिथ्य भावना का आयोजन बना। G20 समिट की सफलता भी
पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के अलग अलग विभागों की सफलता है। सभी ने इस आयोजन के लिए एक टीम के रूप में काम किया। मुझे खुशी है कि आज आप भी सरकारी कर्मचारियों की टीम इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। साथियों, आप सभी को देश की विकास यात्रा में सरकार के साथ सीधे जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। मेरा आपसे आग्रह है, यात्रा में आप सीखते रहने की अपनी आदत को बनाए रखिए। ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल आई गॉड कर्मयोगी के द्वारा आप अपनी पसंद के कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी इस सुविधा का लाभ उठाएं। एक बार फिर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत के संकल्प को सिद्धि तक लाने के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके परिवारजनों को भी अनेक अनेक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। आप स्वयं भी प्रगति करें और आप इन 25 साल जो आपके भी हैं और देश के भी हैं, ऐसा रेयर कॉम्बिनेशन बहुत कम मिलता है, आपको मिला है। आइए साथियों, संकल्प लेकर के चल पड़े, देश के लिए जीकर दिखाएं, देश के लिए कुछ करके दिखाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।